अब हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन 11। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पूजा इंजीनियरिंग को एलटीडी एज ऑन 31st December 2017। द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन एज ऑन अबव बैलेंस शीट डे। Okay. Preference dividend was in arrears for last 3 years and it was to be paid before paying equity share capital. Preference dividend हमें pay करना पड़ेगा। चलो उसका working note कर लेते हैं। Preference कितना है? Preference share capital? 1,50,000। 1,50,000 कौन सा rate पे? 8% into 8% कितना आएगा? 12,000। ये तो एक साल का हुआ, कितने साल के लिए एरियर्स था? 3 years के लिए कितना हो गया? 36,000। ये क्लियर है, समझा? ये देना है, पेमेंट करना है, चाहे तो लिख के रख सकते हम लोग बाय प्रिफरेंस डिविडेंड कितना 36,000, क्योंकि ये देना ही पड़ेगा अपने को। ओके, नेक्स्ट। Sundry creditors include a loan from bank of ₹60,000 secured on the hypothecation of plant and machinery. Okay. Sundry creditors also include preferential creditors of ₹15,000. Okay. Kitna hai creditors kitna hai? 2,40,000. Creditors se 2,40,000. Kitna clear hai? Iske andar 60,000 का बैंक लोन है तो बचा हुआ कितना? 1,80,000। समझा? समझा? इसके अंदर दो टाइप का और क्रेडिटर्स है, एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एक प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, जो कि 15,000 का प्रिफरेंशियल क्रेडिटर है। ठीक है, आगे। द लिक्विडेटर रियलाइज्ड द असेट्स एज फॉलोस। ओके, असेट बेच दिया, लिख लेते हैं, बोल। लैंड एंड बिल्डिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन इधर ध्यान दे, ये हम लोग किसके साथ सिक्योर किया है? प्लांट एंड मशीनरी। क्या प्लांट एंड मशीनरी? तो प्लांट एंड मशीनरी आएगा तो बता देना। लैंड एंड बिल्डिंग 3,22,500 टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 3,22,500। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी सिक्योर्ड था, 75,000 पे बेचा और वो हम लोग ने बैंक लोन पे किया कितने का? 60,000 का। पैसा कितना बचा? 15,000। ये समझ में आया? सिक्योर था, उसकी वजह से अलग से निकाल दिया अपन ने। ओके, नेक्स्ट। आया, हाँ सिक्योर था, उसके लिए पहले ही जैसे ही पैसा आया वैसे मैंने बैंक लोन पे कर दिया, समझा? ओके, नेक्स्ट। ऑफिस इक्विपमेंट 19,500। इक्विपमेंट 19,500। नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर 12,000। नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक कितना? 1,05,000। 1,05,000। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स 90,000। 90,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल 21,000। 21,000। नेक्स्ट लीगल चार्ज ऑन लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹1,500। ये पेमेंट करना है, लीगल चार्जेस पे करना है बाय लीगल चार्जेस कितना? 1,500। नेक्स्ट द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ₹3,900 बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना? 3,900। नेक्स्ट द लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन वाज फिक्स्ड एट ₹1,500। लिक्विडेशन रेम्युनरेशन 1,500 प्लस 2% ऑन सेल्स ऑफ असेट्स एक्सक्लूडिंग कैश प्लस 4% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, मतलब और तीन टाइप देना है बाय लिक्विडेटर रेम्युनरेशन एट द रेट कितना परसेंट? पहला 2%। 2% ऑन अमाउंट रियलाइज। ओके, और बाय लिक्विडेटर रेम्युनरेशन एट द रेट 4% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, ये एक साथ लिखा तो भी चलेगा, वर्किंग नोट बनाओ एक साथ लिखो तो भी चलेगा, अलग अलग लिखा तो भी चलेगा, अपने आंसर बराबर आते हैं। अभी निकालते हैं, कैश बैलेंस निकालना पड़ेगा, कैश बैलेंस और असेट रियलाइज्ड।
असेट रियलाइज में क्या क्या आएगा? एक दो तीन चार पांच छ सात, समझा? टोटल 6,45,000. इसका कितना परसेंट? टू परसेंट. कितना आया? 12,900. इधर कितना आएगा? 12,900. ओके, अब मुझे बताओ कैश बैलेंस है क्या? हाँ, कैश इन हैंड 12,000. ओके, अभी सबको प्लस कर, ये सबको प्लस कर तो कैश बैलेंस मिलेगा अपने को. इधर प्लस कर, नहीं उसके अंदर 12,000 प्लस, और ये 75 अलग आएगा ना, 75 में से 60 माइनस किया ये अमाउंट. नहीं, सब टोटल जो इधर लिखा है वो सब टोटल आएगा कैश बैलेंस में. जब असेट रियलाइज में ध्यान देना है, ये जो बेच के आया. कितना? 5,97,000 इतना कैश बैलेंस है. ओके, हम लोग को क्या बोला फिर से पढ़. 4% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. हाँ, पहले सब में क्या आता था? एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, हम लोग एक्सक्लूड करते थे बराबर. लेकिन हम लोग के पास देख क्रेडिटर इधर अलग सा दिया है, इसके अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड है, मतलब सीधा इसका 4% लेना पड़ेगा तुम लोग को. इसका 4% निकालो. ये डायरेक्ट इसके ऊपर क्यों निकाला? अपने पास बहुत पैसा है. ओके, पहले वाले सम में क्या हो रहा था? अपने पास पैसा कम पड़ रहा था, क्रेडिटर्स तक ही पे कर रहा था, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर उन लोगों को पे करने के लिए पैसा नहीं बच रहा था. लेकिन अभी ये सब में अपने पास बहुत पैसा है, और तुम लोग माइनस करके देखोगे ना तो मिलेगा. देख इधर छोटा छोटा अमाउंट, इधर 5 लाख के ऊपर अमाउंट है, समझा? मतलब ये सब में इक्विटी शेयर तक पेमेंट जाने वाला है. माइनस करने की जरूरत नहीं, नहीं अभी माइनस करने की जरूरत नहीं, लेकिन लास्ट में बैलेंस निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, अपने को वर्किंग नोट करना पड़ता है. ओके, इतना क्लियर है? ये अमाउंट कहाँ से मिला समझा? ओके, नेक्स्ट क्या आगे पढ़. द लिक्विडेटर मेड पेमेंट ऑन 31st मार्च 2017. हाँ बस खत्म, बस इतना ही. ठीक है, पेमेंट कर लेते. ये सब बेचा, बहुत पैसा आया, अभी पेमेंट किसको किसको करेंगे हम लोग? बाय डिबेंचर है क्या? हाँ, डिबेंचर कितना? 1,50,000 बाय डिबेंचर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. हाँ है. डिबेंचर इंटरेस्ट कितना अमाउंट है? 6,000. कुछ कंफ्यूजन है? हाँ, ये बैलेंस शीट में अमाउंट है. हाँ. बराबर, फिर डिबेंचर कितना परसेंट बोला? 8% डिबेंचर ना. 1,50,000 इंटू 8% कितना आया? 12,000. बराबर, हम लोग पेमेंट कब कर रहे हैं? 31st मार्च. मतलब पूरे साल का इतना पेमेंट पेंडिंग है. बराबर, तो हम लोग इधर लिखेंगे बाय डिबेंचर इंटरेस्ट फिर से. बराबर, समझा? क्या कुछ डेट दिया है? नहीं, सिर्फ एंड में वही दिया, 31st मार्च 2017. लिक्विडेटर मेड पेमेंट ऑन 31st मार्च 2017. ओके, समझाइए. ओके, नेक्स्ट और किसको पेमेंट करना है? उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 1,50,000. उसका डिविडेंड भी पे कर दिया. और किसी को पेमेंट बाकी है क्या? इक्विटी शेयर के पहले, अरे क्रेडिटर्स प्रेफरेंस डिविडेंड निकाला ना वर्ती 3 वर्ष. क्रेडिटर्स पे करते, इसके पहले इधर क्रेडिटर लिखना चाहिए था.
चलेगा, नीचे लिखा तो भी चलेगा, आंसर बराबर आने वाला, वो स्टेप्स ऊपर नीचे का मार्क्स नहीं कट होता है। ओके, बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितना पे करना बाकी है, 1,80,000 बाकी है पूरा, बराबर ना। पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 15,000, उसके बचा हुआ 7 में लिख दो, कोई इश्यू नहीं, समझा। अभी एक काम करो ना, इसका टोटल निकालो, 5,61,000 माइनस कर, बैलेंस कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। और किसी को पेमेंट बाकी है या किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट गया है? रुक ना रुक ना, इक्विटी नहीं, कुछ तो मिस्टेक लग रहा है मुझे इसमें। ओके, इधर मिस्टेक क्या है बताइएगा, कि हम लोग ने डिबेंचर होल्डर को दिया कितना दे रहा है, 12,000 दे रहा है, वो पूरे साल का है। तुम लोग बोलो अपना बुक कब क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर को, बराबर, और पेमेंट कब होने वाला है, 31 मार्च को। कितना महीने का डिफरेंस है, तीन मंथ का डिफरेंस है, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, तो डिवाइड बाय 12 × 3 मतलब कितना हो गया, 3,000 हो गया, समझो। तो इधर डिबेंचर इंटरेस्ट इधर कितना आएगा, 3,000, समझा। वही मैं पूछ रहा था, डेट है क्या कुछ, तुम लोग ने एक ही 31 ही बोला, 31 मार्च के बारे में तुम लोग मुझे बोल रहे थे, दिसंबर का डेट तुम लोगों ने बोला नहीं, तो उस हिसाब से वो डिफरेंस आया। ओके, तो इधर आंसर चेंज हो जाएगा सब, देख कितना आ रहा है, इसको प्लस करो, नहीं एक काम करना, इधर कितना मिला था, 5,61,000 मिला था समथिंग, 5,61,000 माइनस 9,000 कर, 5,07,000 कैसे आएगा, 9,000 अभी माइनस कर उसमें से, 90,000 किया रहेगा, 45,000 समझा। ओके, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मली सम इधर खत्म हो जाता है, कितना पैसा बचा है वो मैं किसको देगा, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 45,000 अपना आंसर खत्म हो जाएगा इधर। हाँ, प्रेफरेंस शेयर को दिया है ना। ओके, अभी इसका टोटल कितना, 5,97,000, ये टोटल किया तो भी उतना ही आएगा, 5,97,000 समझा। सब नॉर्मली खत्म हो जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में दो इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक जन ने दूसरा अमाउंट कुछ 80 रुपीज पे किया, एक ने 70 रुपीज पे किया, बराबर, ऐसा दो है ना, तो उसके लिए हम लोग को एक वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, एक वर्किंग नोट बताना पड़ता है उन लोगों को कैसा पेमेंट करने वाला है। ओके, ज्यादा टेंशन है नहीं, समझा, इतना करके छोड़ा तो भी चलेगा, शायद एक मंथ जाएगा वो वर्किंग नोट का, ज्यादा नहीं जाएगा। ओके, वर्किंग नोट क्या है, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है इक्विटी शेयर दोनों का, टोटल दोनों को प्लस करके, 5,55,000। ओके, क्या क्या प्लस किया बोल दे, मैं इधर लिख देता हूँ, 2,40,000 3,15,000 दोनों को प्लस किया तो 5,55,000 ये समझ में आया, जान दो कुछ डाउट है, इतना मुझे देना है, बराबर ना, इक्विटी शेयर होल्डर को इतना मुझे देना है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कितना पैसा है, 45,000 ही है, डिवाइड माइनस करो, 5,10,000 इतना पैसा मैं नहीं दे पाएगा, समझा क्या बोला, इतना पैसा मैं नहीं दे पाएगा, तो 5,10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 3,000 एक का और दूसरे का 4,500, तो 3,000 + 4,500 मतलब क्या हो गया, 5,10,000 डिवाइडेड बाय 7,500 कितना अमाउंट आ रहा है, 68
इतना पेमेंट मैं नहीं कर सकता, समझा। तो अपने पास इक्विटी शेयर कैसा है, एक 3000 है और दूसरा 500। मुझे बताइए 3000 वाले ने कितना पेमेंट किया है, 80 माइनस जो आंसर मिला वो 68, दूसरे ने 70 माइनस 68 करो, पहला माइनस करो जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई करो, 36,000 और इधर 9,000, दोनों को प्लस किया तो 45,000 आ रहा है, वही हिसाब से मैंने इधर पेमेंट किया, समझा। तो वर्किंग नोट दिखाना इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। ऐसी टाइप का सम है, इसके अलावा और एक्सटेंडेड कोई सम नहीं है, ओके। ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में पोस्टिंग तो करो, जितना पोस्टिंग हो रहा है उतना पोस्टिंग हो जाएगा, अब ये पोस्टिंग करने में कोई हार्ड नहीं है इधर तक, समझा। इधर से डिफिकल्ट लग के भी ये एक चीज डिफिकल्ट लग सकता है, उसके अलावा मुझे कोई नहीं लग रहा है कि कोई डिफिकल्ट है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो परसेंटेज है इसके ऊपर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर, कभी कभी वो मिस्टेक हो सकता है, बाकी सब तो करेक्ट आएगा, जितना पोस्ट किया उसका हाफ ऑफ मार्क्स तो मिलते जाएगा, समझा, क्लियर है, समझा।